उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कोतवाली कटघर क्षेत्र के रामपुर रोड पर नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड में अचानक कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग से पूरे इलाके में धुआं फैलने लगा। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन कूड़े के बड़े बड़े ढेर होने की वजह से एक तरफ की आग बुझाते ही दूसरी तरफ आग भड़क जाती थी। नगर निगम मुरादाबाद ने रामपुर रोड पर डियर पार्क के सामने ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रखा है, जहां शहर से रोज उठाए जाने वाला टनों कूड़ा यहां लाकर इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उस कूड़े की छटाई करके उस कूड़े से खाद बनाई जाती है। खाद बनाने से पहले कूड़े को एक बड़े मैदान में सुखाया जाता है। अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद इन बड़े बड़े कूड़े के ढेरों में आग लग गई। आग से आसपास के इलाकों में धुआं फैलने लगा। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। कूड़े के ढेर में लगी आग से मुरादाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब हो गया है। यहाँ करीब 2 जगह से गाड़ी आई है, कटघर से और हेलन। कटघर की गाड़ी लगातार आग बुझा रही है, हेलन रोड की गाड़ी जो है वो कहीं टर्नआउट हो गया, दूसरी जगह वहाँ आग गई है। और मैं अपनी आग बुझा रहा हूँ, यहाँ से मुझे सूचना मिली है कि टूटी पर थाना में आग लगी है, गाड़ी खाली हो गई है, पानी भरने गई है गाड़ी, पानी भरते ही बाद में गाड़ी बुझाने के लिए। तो यहाँ पर कितनी गाड़ी आई है? यहाँ पर करीब 12-13 गाड़ी पड़ गई है सुबह से। और अभी आग पर काबू पा लिया गया? आग पर कोई काबू नहीं है, आग चल रही है, हवा चल रही है बहुत तेज। फिलहाल मुझे जो आदेश हुआ है उच्च अधिकारियों का कि आप जो है आग लगी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ आग लगा कर